एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले है uh, जो की है आपकी हॉर्नबल बुक और चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अ फ्रे टू डाई इफ वी कैन ऑल बीट टूगेदर राइट इसको लिखा हुआ है गॉर्डन कुक एंड एलिन ईस्ट ने बहुत ही खूबसूरत सी ये स्टोरी है और स्टोरी में हमें मैंशन किया गया है कि अगर हम साथ होम राइट right? तो हमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं जब बुरे होते हैं तो वो हमेशा हमको अंदर से झिझोड़ करके तोड़ करके जाते हैं लेकिन अगर हम साथ होते हैं यूनाइट होते हैं एक साथ जुट करके उस सर्कमस्टैस उस परेशानी का सामना करते हैं तो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो वो हमें हरा नहीं सकती इसीलिए इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी का नाम भी बहुत ही खूबसूरती से रखा गया है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई हमको मरने से डर नहीं लगता इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर अगर हम साथ हों तो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर द नरेटर ऑफ द स्टोरी अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के साथ राइट और साथ ही साथ में दो और बंदों के साथ जो कि शिप चलाने जाते हैं वो टूर के लिए निकलते हैं राइट सो जब ये टूर के लिए निकलते हैं तो ये कैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है और उनकी जो शिप होती है वो डूबने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है शिप के अंदर पानी भर जाता है सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चोटें भी ये लोग खाते हैं इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दो इनके वो भी बहुत सारी चोटें खाते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं आते अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं और लास्ट में ये उस परेशानी से बाहर निकल आते हैं सो so, इतनी खूबसूरती से ये चैप्टर लिखा गया है कि ये हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है कि चाहे जितनी भी बड़े से परेशानी आए हमें कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हमेशा हमें मिलकर डट कर उस परेशानी उस प्रॉब्लम उस दिक्कत का सामना करना चाहिए तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें मेंशन है तो शुरुआत होती है स्टोरी की और स्टोरी की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से आई अ थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड बिजनेस मैन थर्टी यानी कि सैतीस साल का आदमी है ये और ये एक बिजनेस मैन है राइट एंड फैमिली हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कोक And for the past 16 years, the the past years, members of the family had spent all their leisure time honing their sea सिक्सटीन skills in the British waters. Waters. Now, अगर आप इस uh, लाइन को समझ पा रहे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो पैंतीस साल का आदमी है ये अपनी फैमिली के साथ राइट right? जितने भी अपने लेजली टाइम है वो कहाँ पर गुजारता है वो पानी में गुजारता है स्पेशली द ब्रिटिश वाटर राइट right? और ये बात ये जो पर्सन है आपका राइट right? ये पर्सन जो है ये एक वर्ल्ड टूर के लिए निकल गया है लेकिन ये वॉयज को कंप्लीट करने वाला है और ये किसको कॉपी कर रहा है जो कि एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर है जिनका नाम है जेम्स

पानी में कर सकते हैं राइट यह एक तरह का रिकॉर्ड बनाने की बात थी राइट सो so, अब आपको पता चलेगा कि इतना आसान नहीं था राइट कि ये बहुत आसानी से अपना पूरा का पूरा जर्नी कंप्लीट करते और फिर जर्नी कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाते क्योंकि ये जो वाटर है दैट इज़ नॉट सो इजी टू कंप्लीट राइट इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ ही साथ में बहुत आंधी तूफान भी आते हैं जिसकी वजह से मौसम ख़राब होने की वजह से कई बार शिप पलटने या डूबने का भी खतरा रहता है बट बोलते हैं ना कभी कभी जब हम हमारी किस्मत में कुछ लिखा होता है या हम हमारे विल पार से किसी चीज को ठान लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें उसको करना ही करना है वैसे ही आपको यहाँ पर ये पर्सन भी इस चीज़ में बहुत ही लीन दिखाई देगा दैट ही इज सो मच विलिंग टू डू दिस द हैज वाइफ मैरी संजनाथन सिक्स डॉटर सेट सेल प्लाई माउथ इंग्लैंड नो सी दीज आर दी की पॉइंटर्स फॉर ऑल्सो कि आपको बताना है उस शिप में कौन कौन था राइट right? तो शिप में कौन कौन है स्टोरी राइट right? और उनकी वाइफ जिनका नाम है मैरी इनका बेटा जोनाथन जो कि कितने साल का है छह साल का है लड़का और एक डॉटर है जिसका नाम है सुजेन जो कितने साल की है सात साल की और उसको प्यार से सब लोग सु कह करके बुलाते हैं राइट right? और ये लोग कहां के लिए निकल गए कहा से निकल गए प्लाइमोथ इंग्लैंड राइट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उस जर्नी में इनके साथ साथ कौन कौन शामिल था राइट right? और ऐसा नहीं है पूरी की पूरी फैमिली सिक्सटीन ईयर्स एक्सपीरियंस है बहुत सारे टफ टाइम्स को इन्होंने साथ में देखा हुआ है और बहुत सारे वाटर एरियाज़ को इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है ना दिस इज टू ड्युप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज ओलिया मेड बाय कैप्टन जेम्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कैप्टन जेम्स कुक थे ठीक है उन्होंने अपना वर्ल्ड वॉयज कंप्लीट किया था थ्रू सी वॉटर्स तो यहाँ पर ये इस ही जर्नी को क्या कर रहे हैं ड्यूपली केज कर रहे हैं यानी कि इसी को कॉपी कर रहे हैं एंड दे वे भी एक रिकॉर्ड बनाएं जस्ट लाइक like कैप्टन जेम्स कोक राइट बेसिकली इट वुड नॉट बी से रिकॉर्ड बट दे आर विलिंग की ये लोग भी पूरी की पूरी जर्नी जो वर्ल्ड की है वो कहा कंप्लीट करें पानी के अंदर सो so, अगर आपसे वॉज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट एंड द रीजन वॉज नथिंग एल्स बट टू जस्ट डुप्लीकेट द जर्नी ऑर द वर्ल्ड वॉयज ऑफ कैप्टन जेम्स कोक द फर्स्ट लेग ऑफ वन फाइव और आप ऐसे बोल सकते हो वन लाख फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स राइट स्पैनिंग ओवर थ्री इेजेंटली फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन अब आपको पता चलेगा इनकी जर्नी का जो पहला पड़ाव था ठीक है जो डेढ़ एक लाख पांच हजार किलोमीटर के, के आसपास का था डेढ़ी बोलूंगी वो तीस साल में पूरा हो गया और वो भी अच्छे से राइट right? कहां से फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक का सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इनकी जो जो पूरी जर्नी थी या जो पूरा वॉयज था वो कहाँ से कहाँ तक के लिए था तो आप बताएंगे इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केपटाउन है ना एंड वट वॉज द डिस्टेंस कवर्ड इन थ्री ईयर्स वन लैक फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स वर पास इन थ्री ईयर्स एंड दैट वॉज प्लेजेंट ऑल्सो मतलब खुशी खुशी इन्होंने वो टाइम बिता दिया नाउ दे ट टू क्रियूमैन अब इसके बाद उन्होंने यहाँ पर दो क्रियूमैन को ले लिया अपने साथ दो हेल्पर्स को ले लिया जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी शिप वगैरह चलाने की शिप की राइट और जो इनकी मदद करने वाले थे टू तो गो थ्रू दी हार्श वाटर राइट सो अमेरिकन लैरी विजल यहाँ पर बताया गया है अमेरिका का एक बंदा था जिसका नाम है लैरी विजल और एक स्वीडन का बंदा था जिसका नाम है स्विफ हर्ब सेगलर सो ये दो क्रू मेंबर्स हैं जो उनकी शिप में उनके साथ और रहने वाले थे टू कंप्लीट दी वॉज और टू हेल्प और टू असिस्ट देम इन दी हार्श वाटर्स राइट सो ऑल टोटल इफ आई टॉक अबाउट हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द शिप सो यू पीपल कैन से दैट कि छह मेंबर्स थे वहां पे नरेटर उसकी वाइफ उसके दो बच्चे और साथ में दो क्र्यूमैन जो कि उसकी मदद करने के लिए आए हुए थे

नाउ ऑन द सेकेंड डे ऑफ द केप टाउन अब जब ये केप टाउन के दूसरे दिन में पहुंचते हैं देवर इन केपटाउन एंड दिस वॉज द सेकेंड डे राइट दे फेस स्ट्रॉन्ग द वेव्स बेगैन टू राइज अब आपको पता है ये सर्दर्न ओशन की तरफ बढ़ चुके हैं राइट और जब ये आगे बढ़ेंगे केपटाउन से तो इनको ऑब्वियस सी बात है बहुत बहुत जोखिम बहुत परेशानियाँ बहुत घबराहट का सामना करना पड़ेगा अब जैसे ही इनका केपटाउन में सेकेंड डे होता है बहुत तेज तेज आंधी तूफान आने लगते हैं और इतनी तेज तेज पानी की लहरें उठ रही होती हैं कि कोई भी हो तो देख करके वो डर जाए लेकिन दे दे डू नॉट जस्ट लूज देअ काम वो पेशेंस रखते हैं और पेशेंस के साथ उस को डील करते हैं राइट? है? है है? मतलब है? है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें देख करके क्योंकि अभी तक जितना भी उन्होंने जर्नी कंप्लीट किया था उन्होंने उस पूरी जर्नी में इतनी ऊंची ऊंची लहरें नहीं देखी थी कि वो उनको उनकी पूरी शिप को उठा करके ले जा पंद्रह मीटर ऊंची जो बहुत बड़ी थी देवान east of cape town on december 25 और ये जो बड़ी-बड़ी लहरें आई थी वो कब आई थी वो आई थी आपकी लगभग चौदह दिसंबर के टाइम पर सॉरी लगभग लगभग 24 दिसंबर के टाइम पर राइट तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि अब ये लोग कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग ईस्ट में पहुंच गए हैं ईस्ट में कहाँ पर केप टाउन के राइट और कौन सा दिन है ये पच्चीस दिसंबर का जिसे हम क्रिसमस डे के नाम से भी जानते हैं राइट नाउ देयर देयर 35 हंड्रेड किलोमीटर्स अवे डिस्पाइट द बैड वेदर दे हैव सेलिब्रेटेड दी क्रिसमस सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी भी ये लोग पैंतीस सौ किलोमीटर दूर थे और ये भी बताया जा रहा है कि कोई बात नहीं अभी प्रॉब्लम्स uh, चल रही थी परेशानियाँ चल रही थी लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं था कि हिम्मत हार गए हों लोग या पूरा घबरा गए हों परेशान हो, हो गए हो, होंने हिम्मत नहीं हारी ये पूरी तरीके से अपने आप को जेस्टफुल बनाए हुए थे सोलफुल बनाए हुए थे और इन्होंने इतनी परेशानियों के बावजूद भी क्रिसमस को सेलिब्रेट Right now, New Year's Day saw no improvement in weather and it changed from bad to worse. अब ये लोग सोच रहे थे हो सकता है कि आने वाले टाइम तक दिसंबर जाते जाते थोड़ा सा चीज़ें सही हो जाएं आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा ना आए ठीक है लहरें बहुत तेज़ ना उठे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ना बढ़े ये इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली में जिस चीज़ को ये इमेजिन कर रहे थे जिस चीज़ को ये लोग सोच रहे थे या जिस चीज़ की ये लोग आ, चाह रख रहे थे वो चीज नहीं हो पा रही थी और आंधी तूफान लहरें ये कम हो ही नहीं रही थी बल्कि जब न्यू ईयर आया आया तब तक और चीजें खराब हो चुकी थी अभी तक तो जो वेदर था वो बैड था ही लेकिन अब ये बैड से और ज्यादा खराब हो गया था और वर्स में कन्वर्ट हो गया था ना कैसे बचेंगे ये लोग कैसे इनकी जाने बचेंगे कैसे ही अपने आप को सेव कर पाएंगे दैट द मैटर ऑफ कंसर्न कह रहे जनवरी नाउ वट इज डॉन डॉन का मतलब होता है द द स्टार्टिंग ऑफ डे आपको पता है सूरज सूरज की आ, सूरज के उगने से पहले सूरज की जो लालिमा होती है वो कहाँ पहुँच जाती है वो अर्थ पर पहुँच जाती है तो आपको हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है अर्थ के ऊपर है ना सूर्य उदय से पहले का जो टाइम होता है उसको आप बोल सकते हो वो डॉन का टाइम होता है तो सुबह सुबह सेकेंड जनवरी की बात हो रही है द वेव्स वर ह्यूज और बड़ी बड़ी लहरें आने लगी इतनी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी दैट के नॉट बी एक्सप्लेन as the ship rose to the top of each wave they could see endless enormous seas rolling towards them अब ये लोग क्या देख रहे थे? 2 जनवरी की तरफ हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही थी और उनकी जो शिप थी उस पे खूब ऊंची ऊंची खूब ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी ऐसा लग रहा था मान लो उनकी शिप को पूरी तरीके से वो डुबो देगी right और what they could see that they could see the endless enormous seas rolling towards them इधर से पानी की lehrein aa rahi hai idhar se pani ki lehrein aa rahi hai idhar se pani ki lehrein aa rahi hai idhar se pani ki lehrein aa rahi hai

और पानी वाली जगह पे हो पानी के बीचम बीच में हो तो आपकी जो भी शिप है वो तेज चल रही होगी उसकी स्पीड फास्ट होगी लेकिन अगर आपको उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करना है तो आप क्या करते हो ये देखो यहाँ पे आपने देखा ये नाव रोकने के लिए एक रस्सी टाइप की बांधी गई है तो आप एक शिप में एक रस्सी बांध करके नीचे एक हुक टाइप की एंकर से जमीन ढूंढ करके उसमें से फंसा देते हो तो उससे क्या होता है जो शिप की स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था इन्होंने स्टॉम जिप को नीचे कर दिया था टू स्लो डाउन बोट और स्लो डाउन द शिप है ना तो जिप इज ऑल्सो वन पार्ट जो आपकी शिप को सेल करने में मदद कर रहा होता है ऐसे अगर शिप होती है आपकी तो ऊपर काफी सारी आपने देखा होगा रस्सी बंधी होती है और काफी सारे कैनवस बंधे हुए होते हैं तो उसको जिससे पूरी सेल कर रही होती है उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था ड्रॉप डाउन कर दिया था ना इफ यू लुक फर्दर अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू द लाइफ रैड पुट ऑन ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड फॉर द वर्स्ट अब उनको पता था मौसम बहुत खराब हो रहा है बच्चे बदतर होता चला जा रहा है सिचुएशन सही नहीं होने वाली और पता नहीं हम लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे तो हम आखिरी एक एफोर्ट कर लेते हैं जिससे हमारी जानी बच जाए तो ये लोग क्या करते हैं उन्होंने हर चीज़ को डबल लैश कर दिया था डबल लैश का मतलब है सारी चीजें डबल 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 टाइम्स बांध दी दी थी बांधी थी कि कुछ भी इधर उधर ना हो कुछ भी बर्बाद ना हो कुछ भी खराब ना हो है ना डबल लैश का मतलब है हर चीज़ डबल डबल टाइम बांध दी थी ना उन्होंने अपनी राव ड्रिल ले ली थी और उन्होंने अपने जो लाइफ जैकेट्स थी वो पहन ली थी तो ये सारी चीज़ें क्या हैं सेफ्टी मेजर्स विच वर टेकन बाय दैम तो उन्होंने हर सेफ्टी मेजर्स ले लिए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नाव पलट जाए या डूबने लगे और हम लोग पानी में डूब करके मर जाए तो उस वजह से वो अपनी लाइफ जैकेट जो भी हो सकते थे वो सब उठा रहे थे सब कुछ उठा करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे सो so, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वर दी स्टेप्स टेकन बाय देम टू सेव देर uh, लाइव तो आप ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि उन्होंने हर चीज को डबल किया, डबल करने के बाद अपना जो था वो भी ले लिया और साथ ही साथ ही में खराब होगी तो इससे पहले हम अपने को क्या कर लें अपने को सेव कर लें द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द कमिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी अब यहां पे बताया जा रहा है कि जो पहला इंडिकेशन था इंडिकेशन का मतलब क्या है एक हिंट जो पहले उनको हिंट मिली कि बहुत बड़ी दुविधा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो थी छह बजे के के आसपास शाम बजे अब उनको लगा कुछ खतरा है कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है हवा चलनी कम हो गई थी लेकिन आसमान में काले काले बादल छा गए थे वेव लाइक अ क्लाउड कम ओवर द शिप अब अब इनकी शिप की तरफ एक भारी भयंकर सा बादल टाइप का उठ करके आया राइट right? रोड बिकेम थंडर एज इ शिप और उसमें वहां पर जो थंडर स्टॉम था उसी में उनकी शिप जो थी वो फंस गई द डेक अब डेक क्या होता है सपोज दिस इज द शिप तो इसका जो ये वाला पार्ट है दिस इज नोन एज डेक अब यह पूरा हिल गया था सपोज अगर इधर साइड से इनको बादल थंडर स्ट्रॉम आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये जब इनकी शिप पर जाकर के लड़ा तो ये पूरी तरीके से धड़ करके कापने लगी, ऑफ सी वॉटर ब्रोक ओवर द शिप क्योंकि बहुत तेज पानी उनकी शिप की तरफ आया था जिसकी वजह से उनकी जो शिप थी उसका डेक टूट गया था पूरी तरीके से और उनकी शिप की काफी सारी चीजें तितर बितर हो गई थी द नारिटर्स हेड स्मैश ऑन टू द व्हील आप क्योंकि नरेटर व्हील के पास थे तो उनका जो सर था वो व्हील में जाकर के उसे जोर से टकरा गया बहुत जोर से उनको टक्कर हुई इतनी तेज उनकी टक्कर थी कि उनको खून भी हल्का सा आ गया था he accepted the approaching death and started losing consciousness अब ऑथर बेहोशी से आ, पूरी तरीके से जो person थे narrator थे वो पूरी तरीके से बेहोशी में ग्रसित हो गए थे उनको उनकी जो consciousness थी वो जा रही थी और उनको लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि इतनी तेज उनका सर लड़ा था और अब वो अपना पूरा आपा खो रहे थे ठीक है और वो ऑब्लेविन के स्टेज में जा रहे थे

और उन्हें अपनी शिप दिखाई देती है सामने राइट right? और फिर के पास एक बड़ी सी लहर आती है और वो उनको किधर भेज देती है अपनी शिप की तरफ तो वो अपनी शिप की तरफ पहुंच जाते हैं तो ये उनकी किस्मत बताई गई है कि एक बहुत बड़ी सी लहर ने उनको किधर भेज दिया था उनकी शिप की तरफ जो कि अब सीधी हो चुकी थी नरेटर गि uh, आपको यह पता चले की ऐसा नहीं था कि जो नरेटर थे वो बहुत ही आसानी से वहां पर पहुंच गए थे बहुत सारी लहरों ने उनको ऐसे घुमा फिरा करके वहाँ भेजा था उनकी जो रिब्स थी जो पसलियां थी वो टूट गई थी पूरी तरीके से उनके मुंह से खून निकल रहा था और उनका दाँत भी टूट गया था सो so, इतनी प्रॉब्लम्स इतनी परेशानियां वो झेल रहे थे और हर तरफ उनको क्या दिखाई दे रहा था शिप में पानी ही पानी बट ही डिड नॉट लीव द व्हील टू इन्वेस्टिगेट लेकिन उनको लगा नहीं नो no वे uh, मैं इसको छोड़ करके नहीं जा सकता मुझे व्हील के पास ही रहना पड़ेगा और जब तक मैं व्हील के पास हूँ तब तक मैं फिर भी कुछ कर सकता हूँ कुछ बेटर कर सकता हूँ और सेफ uh, कर सकता हूँ एटलीस्ट आई कैन सेव सेव एवरीथिंग राइट ना व्हाट हैपन suddenly the front hatch was thrown open hatch का मतलब होता है दरवाजा door अचानक से वो क्या देखते हैं जो सामने वाला दरवाजा होता है वो धड़ से खुलता है and mary appeared और उनकी वाइफ सामने आती है she cried that they were drowning वो चिल्ला रही होती है जोर-जोर से कि हम डूब रहे हैं हम डूब रहे हैं हमारा क्या होगा हम डूब रहे हैं हम बचेंगे बिक्की भी नहीं बचेंगे क्योंकि वो इतना डर गई होती है इतनी बड़ी बड़ी लहरें उसने देखी होती हैं ऑथर को चोट भी लगी हुई होती है और सब जगह पानी ही पानी हो गया होता है तो उसे लग रहा होता है कि बस नाउ वी आर नियर टू एंड आ, दे ऑल आर गोइंग टू ड्राउन एंड नथिंग विल बी लेफ्ट लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन क्योंकि शिप में बहुत सारा पानी भर गया होता है लेकिन जो क्रूमैन होते हैं दोनों वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं वो लोग बहुत मेहनत करके आ, पानी को कहाँ निकाल रहे होते हैं बाहर निकाल रहे होते हैं राइट सो लैरी और हर्ब जो कि दोनों क्र्यूमैन हैं वो दोनों के दोनों पानी निकालने में लगे हुए हैं पगलों की तरह कि बस किसी तरीके से शिप का पानी हम निकाल दें ताकि शिप को हम सेव कर सके क्योंकि शिप में जितना ज्यादा पानी भरेगा उतना ज्यादा शिप डूबने के चांसेस हो जाएंगे द ब्रोकन थिंग्स लेस कैटर जो टूटी फूटी चीजें थी वो पूरी तरफ ऐसे ऐसे फैल रही थी इधर उधर भाग रही थी एंड देयर द नरेटर swam to the children's cabin and asked if they were all right तो फिर जो नरेटर थे उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि देखो तुम इस व्हील का ध्यान रखो मैं बस अभी देखकर के आता हूँ कि बच्चे कहाँ हैं राइट तो फिर वो क्योंकि हर तरफ पानी था तो वो ऐसे तैडते दैट्स स्विम करते-करते कहाँ पहुँचते हैं चिल्ड्रन के केबिन तक चिल्ड्रन केबिन मतलब चिल्ड्रन रूम राइट और जब वो के केबिन में पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कबर्ड के ऊपर एक ऊंची सी uh, अः कबर्ड टाइप की है उसके ऊपर वो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और वहां पर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं अब आप सोचो बड़ों बड़ों को इतना नुकसान हुआ है तो बच्चों को तो बहुत ही नुकसान हुआ, हुआ होगा दे सेट देवर अब बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हम ठीक हैं दो सू हैड अ बम्प अब हर आइस लेकिन जो सू होती है उसकी आंख के ऊपर एक बहुत बड़ा सा निकल आया होता है जैसे लग रहा होता है उसकी कोई टक्कर वक्कर हुई होगी बहुत बुरी तरीके से उसका सर कहीं टकराया होगा जिसकी वजह से उसकी आंख के ऊपर काफी तेज ते चोट आ गई है तो so, ये जो ये वाला पोर्शन होता है उसके यहाँ पर बहुत बड़ा सा घूमरा टाइप का पड़ा होता है ना अब आप देखो बच्चे कह रहे हैं हम ठीक है जबकि उनको चोट लगी हुई है नरेटर टू का हैमर्स क्रूज इन कैनवस दे पुट कैनवस ओवर द गेपिंग होल्स सम वाटर वॉज डिफ्लेक्टेड अब नरेटर क्या करता कहता है कहते हैं कुछ तो में करना है हमें अपने आप को बचाना तो है अब यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इनके अंदर कितना पेशेंस है और ये स्टिल अपना आपा नहीं खो रहे एकदम पागल नहीं हुए जा रहे हैं और ऐसी हालत इनकी नहीं हो रखी है कि बस सब खत्म है अब इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है और और ये लोग कुछ कर नहीं सकते बेटर तो इस सिचुएशन में भी अपना काम पूरा रख रहे हैं और अपने आप को बेटर से बेटर सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑथर ने क्या किया

एटलीस्ट थोड़ी बहुत सेफ्टी मेजर्स उन्होंने अपने लिए बना लिए थे कि शिप के अंदर बहुत ज्यादा पानी एंटर नहीं कर रहा द द द डेबरी हैड स्टार्टेड टू ब्लॉक हैंड इलेक्ट्रिक पंप हैड इलेक्ट्रिकॉप वर्किंग अब यहाँ पे बताया जा रहा है डेबरे डेबरे से सब कुछ जो कूड़ा कचरा एकदम हो रखा था सब कुछ टूट टूट करके जो इधर उधर बिखर रहा था वो सारा का सारा क्या कर रहा था हैंड पंप्स को ब्लॉक कर रहा था जिससे लारी और हब क्या कर रहे थे पानी निकाल रहे थे तो जो पंप थे वो बुरी तरीके से चौक हो गए थे इस कचरे की वजह से और जितने भी जो इलेक्ट्रिक पंप जिससे वो पानी बाहर निकाल रहे थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया आप देखो एक तो मुसीबत उनके सर पर पड़ी हुई है और फिर एक और नई मुसीबत आ गई कि अब इनके पंप इलेक्ट्रिक पंप भी काम करना बंद नहीं कर दे रहे अब परेशानी ये है कि पानी बाहर कैसे जाएगा द डरेटर वर्क विद द हेल्प ऑफ अनदर हैंड हैंडपम्प अब नरेटर आ, अंदर जा कर के चेक करते हैं तो उनके दो और पंप भी होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं फिर वो देखते हैं एक और पम्प पड़ा हुआ होता है जो एक स्पेयर पम्प होता है फिर वो उसको लेकर के आते हैं और उससे मैनेज करने की कोशिश करते हैं राइट दे वर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाईज टू देअर मेड ए कॉल्स अब यहाँ पर आपको पता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं है ना कोई कोई एयरलाइंस में हो राइट या फिर कोई शिप में हो और दूर दूर तक कोई ना हो तो वो क्या करते हैं वो हेल्प सीख के लिए ही तो किसी से डिमांड करेंगे राइट तो ये लोग बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में हैं हम प्रॉब्लम्स में हैं मेडे का कॉल मतलब क्या है एक अलर्ट कॉल कि भैया दे आर इन प्रॉब्लम सो so, ये बार 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 बोल रहे होते हैं कि सी वी आर इन प्रॉब्लम वी आर इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्लीज हेल्प अस प्लीज हेल्प अस बट द प्रॉब्लम दैट कि उनको उनके मेड डे कॉल के कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहे होते हैं। और ये, ये कोई छोटी बात नहीं थी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी राइट right? उनके मे डे का रिप्लाई ना आना अब अब क्या हुआ आई ऑन जनवरी थ्री द वॉटर लेवल हैड कम अंडर कंट्रोल अब पानी बाहर निकालते निकालते काफी हद तक जो पानी था वो शिप से कम हो गया था और चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई थी द बोट्स मेन रेप फ्रेम्स हैड नियरली ब्रोकन डाउन जो मेन जो मेन पार्ट था बोट का या शिप का वो ऑलमोस्ट टूट गया था वो बहुत बुरी कंडीशन में था और उसको देख करके साफ साफ ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा देर तक अपनी शिप को चला नहीं सकते दे हैड सोवाइड फॉर फिफ्टीन आवर्स सिंस द वेट वेव हिट आपको याद है वो जो एक बहुत ऊंचा सा थंडर सा आया था और एक बड़ी सी वेव आकर के उनकी डेक पर टकराई थी तो उससे क्या बताया जा रहा है कि शिप की हालत बहुत बुरी हो रखी थी ऑल दो उनको ये उनके साथ ये सीन हुए भी पंद्रह घंटे हो चुके थे द नाइट चेक द चार्ट एंड फाउंड दैट वर टू स्मॉल फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट अब नरेटा uh, क्या करते हैं वो कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा अगर हमें कोई ठिकाना नहीं मिला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी राइट तो नरेटा क्या करते हैं नरेटा फटाफट अपने चार्ट्स को चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ढूंढें कि आखिर कहाँ पर कोई आसपास आइलैंड है कि नहीं है जहां पर उन्हें कोई जगह मिल जाए और जहां पर जाकर के वो थोड़ा सा अपने आप को ओके कर पाए सो नरेटा चेक करते हैं कि कुछ थोड़ी दूरी पर ही कुछ ही किलोमीटर्स पर दो छोटे छोटे से आइलैंड हैं तो हमारे जो ऑथर है उन्होंने बताया है कि इतने बड़े से सी में वो जो आइलैंड थे वो दो पिन के छोटे छोटे से पिन पॉइंट्स की तरह थे जैसे दो डॉट्स की तरह राइट right? तो अब इन्हीं में से किसी एक आइलैंड पर उन्हें क्या करना था पहुंचना था दोट वेक बोट की हालत इतनी अच्छी नहीं थी शिप की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके तो उन्हें जैसे तैसे करके इसी आइलैंड पर पहुंचना होगा सो so, ये ये जो स्ट्रैटेजी थी दिस वाज मेड ऑन थर्ड जनवरी ओनली राइट ना वट हैपन फर्दर हुल आयलैंड वॉज आयल एस्टेम तो अभी वो जो पिन पर्क आइलैंड थे उस बड़े से ओशन में वो उनमें से एक आय का नाम था आयल एम्स्टम ठीक है और चार जनवरी को आफ्टर थर्टी सिक्स आवर ऑफ़ दंटिन्यूस पम्पिंग दे हैड ड्रेंड आउट द वॉटर छत्तीस घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद अब उनकी जो शिप थी उसमें पानी नहीं था और अब वो लोग चैन की सुकून की सांस ले सकते थे नाउ दे वर हेडिंग फॉर आइलैंड और अब वो लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है आयल एमस्टरडेम दे एट दियर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज विद कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स बट देयर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट रेस्पाइट का मतलब होता है राहत राइट right? तो अब क्योंकि शिप में से पूरा पानी बाहर आ चुका था और अब वो लोग कुछ खा सकते थे वो लोग बहुत ही ज्यादा भूखे हो रहे थे और बहुत ही परेशान भी थे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उन्हें करना था टू सेव देयर लाइव राइट सो उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा दैट लेट लेटर्स डू समथिंग फॉर the बेटरमेंट ऑफ आर्ट्स तो कुछ खा लेते हैं कुछ खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो इन पूरे टाइम टेनियोर में पहली बार इन्होंने अपना जो खाना खाया इस पूरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद वो कम से कम दो दिन बाद का था उन्होंने क्या खाया कुछ कॉर्न बीफ्स खाए छोटे छोटे से और उसके अलावा आपने बिस्किट्स खाए थे इन्होंने ठीक है लेकिन अब जो इनको ये रिलीफ मिला था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं था ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे समय तक इनको सुकून मिल गया

तो वही चीज बताई गई है यहाँ पर कि इतनी तेज हो गया था हवा इतनी तेज से चलने लगी थी कि लहरें भी तेज तेज उड़ने लगी उठने लगी और अब उससे प्रॉब्लम होने वाली थी अब उनकी शिप वापस से वेव से टकरा सकती थी द वेदर कंटिन्यू टू थीट थ्रू द नाइट एंड बाय ऑन जनवरी फाइव सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट अब जो मौसम था वो कंटिन्यूसली बिगड़ रहा था पूरी रात मौसम बिगड़ा रहा और सुबह पांच जनवरी आते आते सिचुएशन वापस से क्या हो गई उनकी डेस्परेट प्रॉब्लमेटिक परेशानी से भरी हुई क्या करें क्या ना करें जल्द से जल्द अगर उन्होंने कोई आइलैंड नहीं ढूंढा तो वो लोग बच नहीं पाएंगे अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है उनकी कोई चांस ही नहीं है कि वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे द नरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन जॉन आस्ट इफ दे डाइंग नरेटा कहते हैं कि पता नहीं अब तो कोई चांस पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग बच पाए क्योंकि हमने सारे हथकंडे अपना लिए हैं किया जाए तो क्या किया जाए ऐसा क्या हो सकता है जो बेटर हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे क्या हम जी पाएंगे क्या हम अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से वापस रिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो नरेटर को लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए जाता है तो जब वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए जाता है, है। <S. exactamente> तो वो जॉन जो उनका बेटा होता है जोनाथन वो उनसे पूछता है कि पापा क्या हम लोग मरने वाले हैं ही अशोर्ट देम दैट दे वुड मेक आउट बट जॉन आर दैट दे वर राइट right. uh, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो uh, नरेटर होता है वो अपने बच्चों को तसल्ली देता है कि आप परेशान मत हो हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और हम लोग इस परेशानी भरी जोखिम भरी जिंदगी से बाहर जरूर आ जाएंगे तो जोनाथन कहता है पापा हम लोग पहले ही आ चुके हैं right. राइट हम लोग uh, डर नहीं रहे हम लोग परेशान नहीं हो रहे वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ दे बी ऑल टुगेदर तो बोलता है कि अगर पापा हम सब लोग साथ होंगे ना तो हम लोग कभी नहीं भरेंगे और हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा द नरेटर टुक एवरी केयर टू प्रोटेक्ट द अनडैमेज पार्ट ऑफ द हल विद हैवी नायलोन रोप एंड प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफि अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट था जॉन का जो जॉन ये बोलता है कि पापा अगर हम सब लोग साथ होंगे तो हम हम कभी भी मरेंगे नहीं हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा एंड विल विल नेवर गेट इन अचुएशन जो बहुत ही वर्स हो तो वो इस तरीके से जब अपने पापा को बोलता है कि अगर हम साथ हो तो हमें कुछ भी नहीं होगा तो ये ये नरेटर की हिम्मत बढ़ा देता है तो नरेटर ओवर एफर्ट्स करने लगता है कि नहीं अब तो मुझे कुछ भी करके एनी हाउ इस शिप को सेव करना है और अपनी फैमिली को सेव करना है राइट right? तो जो हल इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोट तो uh, क्या करता है वो जो नाइलोन रोप्स होती हैं उससे अपनी uh, बोट को बांधने लगता है ठीक है वो बैरल ऑफ़ पैराफि भी यूज़ करता है कि किसी तरीके से वो एक कंट्रोल कर ले अपनी शिप को और शिप बिल्कुल भी नुकसान में ना जाए चाहे कोई भी वेव उससे टकरा रही हो वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉम बाय मॉर्निंग सिक्स अब पांच जनवरी तो पूरा ऐसे ही बीता खराब खराब लेकिन सुबह छह जनवरी आते आते वेव वॉकर उस भारी भरकम तूफान से बाहर निकल आई थी राइट यानी कि एटलीस्ट ये लोग तूफान से तो बाहर थे

वेन ही वॉज थिंकिंग सू केम टू हिम कार्ड हिम लाफ तो अब यहाँ पे बताया जाए कितना थे दोनों के दोनों बच्चे। कितनी हिम्मत तो और कितनी ढारस बांध रहे हैं अपने पापा की। है ना तो जब ये कुछ सोच रहा होता है कि कैसे हम लोग आईलैंड तक पहुंचेंगे तो उसी टाइम पर सू जो की बेटी है नरेटर की वो उसके पास आती है उसके हाथ में एक कार्ड होता है और उस कार्ड पे ना उसने फनी फनी से पिक्चर्स बनाए हुए होते हैं अपनी मम्मी और पापा के राइट right? जो नरेटर देखता है और वो बड़ा ही खुश हो जाता है उसको ज़ोर जोर से देख करके हंसने लगता है वो कितना क्यूट है बेटा कितने प्यारे होते हैं लोग जस्ट लाइक दिस सो ये सब क्या कर रहे हैं ये सब नरेटर की हिम्मत बांध रहे हैं एंड शी हैड रिटन मैसेज इन इट इट वॉज़ हाउ आई लव यू बोथ और उसमें ये लिखा होता है कि कैसे वो दोनों अपने मम्मी पापा को कितना ज़्यादा प्यार करती हैं राइट right? सो so, ये देख के नरेटर की फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाती हैं। वो बहुत ही खुश था कि एटलीस्ट उसके बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो इतनी टफ सिचुएशन में भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे उसके साथ हैं और उसके सपोर्ट में हैं। ना और सोचो छोटे छोटे बच्चे जनरली बड़े हिम्मत हार जाते हैं तो ये तो बहुत छोटे थे द नरेटर चेक एंड री द कैल्कुलशन अब नाइटर बार बार चेक कर रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ सही तो है लोकेशन आइलैंड यहीं पर है कि नहीं है ये ये हर एक जो जो भी आ, सी कैप्टन होता है उसकी ये हालत होती है कि वो बार बार चेक करता रहता है कि वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है राइट दे हैड लॉस देअर मेन कैंपस ही हैड बीन यूजिंग द स्पेर वन तो उसका जो मेन कंपास था वो 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 यूज़ नहीं कर रहा था वो उसको यूज़ कर रहा था जो बचा हुआ था और उसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहे थे दैट वर नॉट रियल एट अबाउट टू पी एम ही वेंट ऑन द डेक एंड आज लैरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ वन एटी फाइव डिग्रीज दो बजे के आसपास वो डेक की तरफ जाता है और जाकर के चेक करता है कि क्या हो सकता है क्या कंडीशन हो सकती है किधर हो सकती है सिचुएशन फिर वो लैरी के पास जाता है और कहता है कि देखो 185 डिग्री अपनी शिप को मूव कर लो एक्सपेक्टेड टू सी दईलैंड अबाउट फाइव पी एम वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि पांच बजे तक हमें एक आइलैंड दिखाई दे जाएगा देन ही वेन बिलो विदेवी हार्ट एंड ऑफ टिल तो वो क्या करता है फिर वो नीचे जाता है और क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है और वो सो जाता है इतना थका हुआ होता है वो तो जब वो सो रहा होता है तो सोते सोते कितना बज जाता है छे बज जाता है और बहुत ही नाउमीदी सी भी उसके मन में आ जाती है कि पता नहीं विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट द नरेटर वो अप जब नरेटर उठता है तो छ रहा होता है जुनाथन केम एन आस्ट इफ जोनाथन अपने पापा के पास आता है और कहता है पापा क्या हम लोग हक कर सकते हैं एक दूसरे को प्लीज पापा ही द रीजन एंड जोनाथन आई दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द होल वर्ल्ड अब आप क्योंकि आपको पता है नरेटर तो पूरी तरीके से उम्मीद हार चुका है नरेटर को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पता नहीं वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा राइट लेकिन छह बजे जब जुनाथन आता है और उसको हक करता है तो वो उसे पूछता है कि तुम तो मुझे हक क्यों कर रहे हो तो वो कहता है डैडी आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और साथ ही साथ में आप इस वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट कैप्टन हो क्योंकि आपको सब पता है आप कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स में भी सर्वाइव करवा सकते हो ना शी एडेड हीड फाउंड द आईलैंड तो अब यहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि वो लोग आईलैंड पहुंच गए हैं इट वॉज इन फ्रंट ऑफ दैम और आईलैंड उनके सामने है अब वो लोग अपनी जान को बचा सकते हैं एवरी बडी इज सेफ एंड नो बडी इज नाउ एट डेंजर राइट सो विद दिस स्टोरी वी हैव कम टू दी पार्ट कि देखो कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर सब लोग साथ हों सब लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हों सब लोग एक दूसरे को फेवर कर रहे हों तो जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगी जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी वो हम चुटकियों में ही ख़त्म कर देंगे सो so, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता आ, लेकिन हाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग एक दूसरे की ढारस बने ना कि एक दूसरे को आ, पुल करें नीचे कि देखो तुमने तो परेशानी बना दी ही रास्ट ऑन द डेड एन लुकड आउट एट द आउटलाइन द आयल एम्सटरडेम तो वो जल्दी से भागते वो बाहर जाता है डेक की तरफ वो देखता है तो उसे एक कोना सा दिखाई देता है एक लकीर से जो आयल एम्स्टरडेम की थी बहुत खुश हो जाता है वो इट वॉज ओनली अ बिग पीस ऑफ वर्ल्ड रॉक विद लिटिल वेजिटेशन वहां पर आपको एक वॉल्किनिक रॉक का एक खाली खोखला सा जगह दिखाई देगी और उसमें बहुत कम वेजिटेशन है वहां पे ग्रीनरी वगैरह आपको बहुत कम दिखाई देगी इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड ना वाई नरेटर इज सी दैट द मोस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज दिस इज वन ऑफ द आइलैंड विच इज गोइंग टू सेव द लाइफ ऑफ नरेटर एंड हिज फैमिली द ट्रू राइट सो इससे हमें क्या पता चलता है हमारे लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे अहम हाँ चीज़ वो होती है जो कि हमें एक नई जिंदगी दे राइट right? तो जो नरेटर है उनका कहना यह है कि भले ही जो आइलैंड था वो सिर्फ एक ब्लीक पीस ऑफ गोल्किन एक रॉक था उसमें वेजिटेशन भी नहीं था लेकिन वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था क्योंकि वो आइलैंड पर पहुंचने के बाद हम हमारी जो जिंदगी थी जो जान थी उसको बोल सकते थे कि वो नाव सेफ है वो बच गई है और वो अब पूरी तरीके से सेफ हैं ऑल द ट्वेंटी शोर तो उस आइलैंड में बताया जाता है अट्ठाईस uh, लोग रहते हैं वहाँ पे अट्ठाईस लोग हैं जो रहने वाले राइट right? वो सारे के सारे अट्ठाईस लोगों ने उनको वेलकम किया कि क्या बात है आप लोग इतने बड़े जोखिम से बच करके आए हैं और आपका हाँ हमारे आइलैंड में स्वागत है आइए इंजॉय करते हैं मजे करते हैं सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग फॉर दरेटा Right now, with the land under his feet again, the narrator thought of his crewmen Harry and Herb. हु वर् ऑप्टमिस्टिक अंडर द स्ट्रेस एंड फोट विद द और सक्सेसफुली अब होता गया है जैसे ही नरेटर कहाँ पहुँचते हैं उस जमीन के ऊपर उस आइलैंड की ज़मीन के ऊपर तो वो पैर रखते हैं और अपनी आँखों को बंद करते हैं और वो सोचते हैं कि किन किन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया तो सबसे पहले उनके निगाहों में कौन आता है दोनों क्र्यू मेम्बर्स कि किस तरीके से वो पागलों की तरह शिपमे से पानी बार बार बाहर निकल रहे थे और कितने ऑप्टमिस्टिक थे कि हम लोग सिचुएशन को संभाल लेंगे राइट right? और इतनी बड़ी इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी वो जान बचा पाए ही ऑल्सो थॉट ऑफ मैरी हु फॉट विद करेज एंड डिड नॉट लूज हो वो मैरी के बारे में भी सोचता है कि मैरी अगर चाहती तो उसको बहुत नेगेटिव बोल सकती थी कि शायद हम लोग ना बच पाए कुछ और कर कुछ और हो जाए पता नहीं क्या होगा वो और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर सकती थी बट उसने उम्मीद नहीं हारी होप लूज नहीं किया और उसने भी आ, नरेटर का फुल साथ दिया फिर उसके बाद उसे सू याद आती है विद अ हैड इंजरी एंड जोनाथन हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई फिर उसे सूखा याद आता है कि उसको हेड इंजरी थी लेकिन फिर भी उसने मेरे से एक बार भी नहीं बोला उसने बोला पापा हम ओके okay हैं और साथ ही साथ में जुनाथन की भी उसको याद आती है और उसको लगता है कि जुनाथन वो तो सिर्फ छः साल का है और वो तो सोच भी नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है लेकिन फिर भी उसको मरने से डर नहीं था अगर हम लोग साथ में हैं तो उसका कहना ये था राइट सो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है और आपको पता चलेगा कि जो डरेटर हैं उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ लारी और हर्ब को भी बहुत थैंक किया कि अगर वो ना होते तो शायद वो लोग कभी भी बच ना पाते राइट सो so, ये बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है जिसमें हमें एट लास्ट में ये बताया गया है कि अगर हम साथ हों तो हम किसी भी परेशानी किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं ई हैव गिवेन यू दिकेबलरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो जिसका आपको पीडीएफ आप पर मिल जाएगा आप प्लीज इस पीडीएफ uh, को अगर लेना चाहते हैं तो जरूर से जरूर अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लें एंड विद दिस माई डर स्टूडेंट आई हैव कम टू द सेन बु बाई टेक केयर गॉड ब्लेस यूर